2014 से मैंने जर्नी स्टार्ट किया था और आप दोनों से ही मैंने लीडरशिप और टीम बिल्डिंग सीखा और एंटरप्रेन्योरशिप सीखा तो आ, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आई आई एम रनिंग अ चेस अकेडमी तो बींग अ चेस कोच मैंने एज अ फ्री स्टार्ट किया था और आज जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरा अकेडमी का जो रेवेन्यू वन ईयर मैंने क्रॉस कर लिया है पर ईयर का वेरी गुड बट थैंक यू सर प्रॉब्लम आ रही है कि मैं उसको या नहीं ले जा पा रहा क्योंकि हर दो साल में जो मैं टीम बिल्ड करता हूं आठ दस लोगों की या बीस पच्चीस लोगों की भी टीम मेरी दो में थी वो मुझे छोड़ देते हैं तो कहां गैप आ रहा है वो मैं नहीं समझ पा रहा और काफी टाइम से मैं सवाल पूछना चाह रहा था वेरी क्विक आंसर क्रिटिकल को रिपीटेबल में कन्वर्ट करना है क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्रिटिकल स्किल सिखा देते हैं अपनी टीम को और वो रिपीटेबल नहीं हो पाता फिर वो आपसे अलग हो जाता है दूसरी चीज आपको एक काम बहुत जरूरी है यहां पर बड़ी मशीन का छोटा हिस्सा वर्से छोटी मशीन का बड़ा हिस्सा आप क्या कर रहे हैं आप छोटी मशीन का बड़ा हिस्सा उन्हें बना देते हैं तो वो आपसे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं उनको बड़ी मशीन का छोटा हिस्सा बनाइए इसमें दो बातें ध्यान रखना मैं समझाता हूं आपको जैसे गाड़ी बनती है गाड़ी बनने में एक आदमी स्टेयरिंग फिट करता है टायर फिट करता है बंपर फिट करता है गियर फिट करता है क्लच प्लेट लगाता है एक दरवाजा लगाता है एक विंड स्क्रीन लगाता है वो सब क्या है बड़ी मशीन के छोटे हिस्से हैं वो अपने आप गाड़ी नहीं बना सकते वो पूरी गाड़ी नहीं बना पाएगा उसको एक हिस्सा आता है तो एक हिस्से पे काम कराइए उस टीम से अगर वो बड़ा हो रहा है और वो छोटी मशीन का बड़ा हिस्सा बन रहा है और उसको पूरी गाड़ी बनानी आ गई है अब तो फिर वो आपके एम्प्लॉय बनने के लिए नहीं है अब आप उसको पार्टनर बनाइए तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा और आप उसके साथ एक्सपेंशन में रेवेन्यू शेयरिंग करिए ई सॉप दीजिए कंपनी में हिस्सेदारी दीजिए आप उसको बिजनेस के प्रॉफिट्स में हिस्सा दीजिए रेवेन्यू का हेयर कट दीजिए बिजनेस स्ट्रक्चर कर लीजिए उसके साथ तो वो आपके साथ टिका रहेगा अभी वो क्यों टिका है क्योंकि तो उसको लगता है मैं तनख्वाह पर नहीं मैं तो अपने आप कमा सकता हूँ तो ये दूसरी चीज़ है दो बातें हैं एक पहला क्रिटिकल को रिपीटेबल आप टेक्नोलॉजी से बनाइए मैं मुंबई में एक आइसक्रीम वाला है वो पिछले डेढ़ साल से आइसक्रीम बनाता है खिलाता है और वो बड़ा फेमस है दुनिया भर में लोग उसकी आइसक्रीम लेकर के जाते हैं उसका मिल्क शेक लेकर जाते हैं वो ड्राई आइस में पैक करके देता है डब्बे में सील करके देता है और मैं भी देखा बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर लेकिन तो बड़ा बड़ा लिखा है कि हमारी देश में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है तो मैं सोचता हूं भाई तेरा कितना दुर्भाग्य है कि तो डेढ़ साल में दूसरी ब्रांच नहीं बना पाया क्योंकि वो क्रिटिकल को रिपीटेबल नहीं कर पा रहा है तो आप क्रिटिकल को रिपीटेबल करने के लिए टेक्नोलॉजी बिल्ड करिए तो फिर आप उसको स्केल कर पाएंगे वो आपका पहला आंसर और दूसरा मैन पावर रिटेन कर पाएंगे क्योंकि आप उन पर डिपेंडेंट नहीं है वो दूसरा आंसर तो दोनों चीजें कवर की धन्यवाद तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा अपना परसपेक्टिव एड ऑन करता हूँ सर कि अभी जो सर ने बात बोली बिल्कुल परफेक्ट है कि ये दो तरीके हैं जो सर ने बताया एक मेरे भी परसपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा एक या तो कोई ऐसा ब्रांड बना लीजिए अपना कि वहां पर इतना बड़ा एंट्री बैरियर आ जाए कि लोग ये कहें कि हमको चेस नहीं सीखना है क्योंकि चेस सिखाने वाले तो बहुत लोग हो सकते हैं वो कहें कि हमको तो इससे चेस सीखना है जैसे पानी की बोतल का अगर एग्जांपल लिया जाए तो पानी की बॉटल्स तो बहुत हैं लेकिन जो ब्रांडेड पानी की बोतल है और वो भी पानी की बोतल के नाम से जो सबसे पहला नाम हमारे माइंड में ब्रांड आता है वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आप लोगों को पता है 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 क्या आता है। पानी के साथ में सिनोनिमस कौन सा ब्रांड तो आदमी कहे कि मेरे को तो तो ये चाहिए वो नहीं है तो कुछ और चाहिए तो या तो आप अपना ब्रांड बनाइए या फिर आप कहते हो कि नहीं मेरे पास में इतना मार्केटिंग बजट नहीं है या वो वेवलेंथ नहीं है कि मैं अपना खुद का एक ब्रांड बना सकूं जिसकी वजह से एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एफिलिएट मॉडल पे चले जाइए सीखो सिखाओ उस पर हमारी रेवेन्यू शेयरिंग होगी वो पहले से एग्रीमेंट कर लो ये दो तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं जो अभी एकदम से मेरे माइंड में आ रहे हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन